नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू एस में। एक इंटरनेशनल करंट अफेयर का मुद्दा देखेंगे हम, वह है सूडान वर्सेस यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। जो सूडान है आपका और यूएई, आपस में इनके बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन चल रहे हैं। जिस तरीके से डिप्लोमेटिक टेंशन भारत और कनाडा के बीच था, उसी से मिलता जुलता डिप्लोमेटिक टेंशन है सूडान व यूएई। अब देखना है मतभेद जो पॉलिटिकल टेंशन का रूप धारण करेगा अरब वर्ल्ड में। इस टेंशन को लेके हो सकता है मतभेद हो, अरब वर्ल्ड दो जगह दो खेमों में बढ़ जाए। और बटा भी हुआ है सूडान क्राइसिस को लेकर। देखिए सूडान में क्राइसिस चल रहे हैं, सूडान क्राइसिस संकट। तो इसमें क्या है आपका, एक साइड तो RSF है, रैपिड सपोर्ट फोर्स है, दूसरे साइड आर्मी है। इन दोनों के बीच में मुठभेड़ चल रहे हैं, तनातनी चल रहे हैं लगातार। रैपिड सपोर्ट फोर्स एक तरीके से जो प्रोटेक्शन का काम कर रही थी, आर्मी को पहले सपोर्ट कर रही थी, लेकिन यह मजबूत स्थिति के रूप में अभी उभरी। और आर्मी के साथ इसका क्या है, मुठभेड़ चल रहा है, टकराव चल रहा है। रिजल्ट यह है कि सूडान में 12,000 लोग अभी तक मर चुके हैं। तो बुरहान है इसके हेड अभी RSF है। जो RSF है, रैपिड सपोर्ट फोर्स, रैपिड सपोर्ट फोर्स एक बल है। बुरहान इसके अल बुरहान, सीधा याद रखे बुरहान हेड है। अब इसको फंड करने का काम, अर्थात फंडिंग, हथियार, उपकरण, ये यूएई मुहैया करा रहा है। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात खाड़ी का देश है, दुबई की बड़ी सिटी, अबू धाबी राजधानी है, नाम सुने होंगे यूएई का। तो यूएई क्या है, सपोर्ट कर रहा है आरएसएफ को, तो हथियार पैसे दे रहा है, उपकरण दे रहा है। मतलब जो RSF है, इसकी कमाई किस तरीके से हो रही है, तो इसने गोल्ड माइन का कब्जा किया हुआ है। जो सूडान है उसमें सोना मिल रहा है, गोल्ड माइन है, प्लस अन्य भी जो हीरे की माइन है उस पर भी कब्जा किया हुआ है। तो पूरा मामला तो गोल्ड माइन को ही लेके है, इस पर करता कब्जा, भारी इनकम हो रहे हैं RSF के, इससे मजबूत हुआ है बेच बेच के। पूरा आर्मी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, और कंट्री इसमें आता है मिस्र का और तुर्की का। तो मिस्र और तुर्की ये आर्मी के सपोर्टर हैं। अब देखिए मिस्र, तुर्की और आपका यूएई, ये तो अरब वर्ल्ड में ही आते हैं, लेकिन इनमें ही दो गुट बना हुआ है, जो एक आर्मी को सपोर्ट कर रहा है और एक जो है आरएसएफ को सपोर्ट कर रहा है। अब इधर सूडान ने यूएई पे आरोप लगाया है कि यूएई एक माफिया स्टेट है, माफिया को बढ़ावा देता है, माफिया को बढ़ावा दे रहा है, संगठित अपराध को बढ़ावा देता है, आतंकियों को मदद करता है। इतने सारे आरोप सूडान ने लगाए हैं। सूडान की सेना अभी सत्ता में एक तरीके से, तो यूएई के बहुत सारे राजनयिकों को बाहर कर दिया है। पहले यूएई ने सूडान के राजनयिकी को बाहर किया, बदले में सूडान ने यूएई के राजनयिकी को बाहर कर दिया। जो दूतावास है उसमें काम करने वाले रहते हैं लोग। सूडान का कहना है यूएई माफिया स्टेट है, संगठित अपराध को बढ़ावा देता है, एक आतंकियों को मदद कर रहा है। बदले में यूएई ने भी सूडान के बहुत सारे डिप्लोमेट्स को बाहर किया है और सूडान को क्राइसिस के लिए जिम्मेदार ठहराया कि पूरा का पूरा जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, ये सूडान उसकी सत्ता आर्मियों के द्वारा किए जा रहे हैं। इस तरीके से दो खेमे बटा हुआ है। अब इसी में आपका रूस हुआ, यूएस, इनका भी इंटरफेयर है। जहां भी इनका इंटरफेयर रहता है तो खेमा दो गुट में ऑटोमेटिक बन जाते हैं। लेकिन सवाल है कि अरब जगत में दो खेमा बंटना बहुत दुर्लभ होते हैं, क्योंकि तो अरब वर्ल्ड किसी भी मुद्दे पे एक ही रहते हैं, विशेषकर इस्लामिक कंट्री को लेकर। तो अरब जगत में जिस तरीके से मन मुटाव, दो गुटों का बंटना, इससे शक्तियों का जो है, अर्थात पावर ऑफ, अर्थात क्या है, पावर ऑफ बैलेंस, जो पावर ऑफ बैलेंस है, किसी ना किसी फेवर में चला जाता है रूस और यूक्रेन के बीच। इस समय एक तो सूडान में अलग से क्राइसिस चल रहे हैं, इधर से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहे हैं, पुनः इजराइल हमास युद्ध चल रहे हैं,
और इधर से म्यांमार संकट चल रहा है, तो म्यांमार क्राइसिस अलग से है, प्लस जलवायु संकट है, क्लाइमेट संकट। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर चाइना वाइना जैसे भी कंट्री में लगातार प्रकोप आ रहे हैं, सब जगह युद्ध ही चल रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की भूमिका क्या रह गई है युद्ध को लेके, वो अभी तक किस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है किसी को भी पता नहीं। रोकना चाहिए, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे 12,000 लोग मरे हैं इसमें सूडान संकट में। ये तो ऑफिशियल है, पता नहीं कि कितने लोग मरे हैं, अनअकाउंटेड है, 2 लाख से भी अधिक लोग के मारे जाने की खबर है। बस सूडान और यूए के बीच ये है, आगे के लिए बने रहिए टू डू आई इसमें।